वेलकम गाइस टू अवर चैनल डिजिटल तैयारी। आरएस अग्रवाल कर रहे थे गाइस, अपन उसमें टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है इंग्लिश वाली बुक में, उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक अपन ने 76th नंबर क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे, 77 से आगे के क्वेश्चन जो है अब अपन शुरू करते हैं। साथ साथ में आप भी ट्राई करें, देखो 77 नंबर क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 24, 36 एंड 48 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी सी के बारे में अपन को गिवन है, ए बी और सी के बारे में गिवन है कि ए जो है 24 डेज में कर सकता है, बी 36 डेज में कर सकता है और सी 48 डेज के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, दे स्टार्टेड टूगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट। ये कह रहा है कि इन तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन हुए, 4 दिन के बाद सी ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, देखो, ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ा। देखो काम खत्म यहां पे हो रहा है, 3 दिन पहले का मतलब यहां पे कहीं पे मान लेता हूं ये 3 दिन, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा था, ए ने काम छोड़ा था, मतलब देखो सी ने यहां पे छोड़ा है तो यहां पे तो ए और बी काम कर रहे थे, फिर ए ने भी छोड़ दिया तो ये वाला काम किसने किया होगा, देखो बी ने किया होगा। यहां तक आई बात समझ में, क्लियर है, चलते हैं देखो आगे। अब अपन एफिशिएंसी निकाल देते हैं, अपने पास टाइम पड़ा है, टोटल वर्क निकाल के अपन एक बार क्या कर लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल देते हैं। ठीक है, एक बार मैं जब 12 लिखता हूं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2, 3 और 4, फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पे 4 और 3, मतलब 9 एलसीएम जो अपना कितना आ रहा है, 12 × 4 × 3, क्लियर है। जब इसके अंदर 24 का डिवाइड लगाता हूं तो देखो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6, 36 का डिवाइड लगाता हूं तो कितना मिल जाएगा 4, और 48 का डिवाइड लगाता हूं तो कितना मिल जाएगा 3। सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी अपन को मिल गई और ये है कितना 144, एलसीएम एक्चुअल में कितना है 144। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन में इन लोगों ने कितना काम कर दिया, तो अपन निकाल देते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी कितनी, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 6 और 4 10 और 3 कितने हो गए 13। ठीक है, तो 13 × 4 कितने होते हैं 52 यूनिट्स काम जो है वो यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में ये जो 3 दिन है इसमें कौन काम कर रहा है, बी, और इसने 3 दिन में कितना किया होगा, बी ने, देखो एक दिन में 4 करता है तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 12 यूनिट काम कर लेगा, यानी यहाँ पे 12 यूनिट का काम हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो अब ये जो बीच वाला गैप है वो कितने यूनिट का होगा, ये जो बीच वाला गैप है वो कितने यूनिट का होगा, देखो टोटल काम 144 का है, उसमें से 52 ये वाले और 12 ये वाले, 64 यूनिट काम जो है, 64 यूनिट काम वो हो चुका है, थोड़ा शुरू में हुआ है और थोड़ा लास्ट में हुआ है। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, देखो यहाँ से कितना मिल रहा है 0 और 14 में से 6 जाएंगे कितना आएगा 8, 80 यूनिट का काम जो है वो बचा है, और वो 80 यूनिट का काम बीच में किया गया और किसने किया, ए और बी ने मिलकर किया। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, देखो ए और बी एक मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कर सकते हैं, 6 और 4 कितना 10, तो 80 यूनिट काम करने में उनको कितने दिन लगेंगे, तो 80 यूनिट काम करने में देखो 80 बटा क्या कर लेंगे अपन 10, यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे 8 दिन, क्या मिल जाएगा 8 दिन। तो देखो ये वाला पोर्शन 4 दिन में हुआ, ये वाला पोर्शन 8 दिन में हुआ और ये वाला पोर्शन 3 दिन में हुआ। क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है, तो इन सब चीजों को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए अपने पास, 12 और 3 हो गए 15। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना आंसर हो गया, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल पहले आप ट्राई करें फिर सॉल्यूशन चेक करें क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 300 रुपीज पर डे, ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 300 रुपए कमा सकते हैं। आगे कह रहा है, व्हाइल ए एंड सी टुगेदर कैन अर्न 188 रुपीज, अगर केवल और केवल ए और सी की बात की जाए तो वो एक दिन में 188 है, मतलब उनके एक दिन की जो सैलरी है, जो भी इनकम है उनकी एक दिन की, उनका जो टोटल है वो 188 है, और बी और सी की कितनी है अर्निंग, बी और सी की अर्निंग कितनी दे रखी है 152 दे रखी है। क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है कि द डेली अर्निंग्स ऑफ सी, सी की डेली अर्निंग कितनी है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और सी कितना हो गए, देखो यहाँ पे 2 सी हो गए
और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे वन चला गया, नाइन और फाइव कितना हो गया फोर्टीन, यहाँ पे चला गया वन कितना आ रहा है देखो 340। अब ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे देखो क्या मिलेगा, केवल और केवल सी, ए और बी कट जाएंगे और ये वाला जो सी है ना वो इस टू को हटा देगा, केवल और केवल एक सिंगल सी बचेगा, आई बात समझ में। और ये कितना है देखो 300, तो 340 माइनस 300 करेंगे कितना मिलेगा अपन को 40। यानी सी की डेली इनकम कितनी है, सी की डेली अर्निंग जो है वो 40 रुपीज है, आई बात समझ में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। अगर देखो गाइस कोई क्वेश्चन मिस होता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन नंबर नोट करना है आपको, वीडियो खत्म होने के बाद आपको वो करना है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो फिलहाल ये क्वेश्चन 80 नंबर, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 529 रुपीज। ए बी सी को कुछ काम करने के लिए 529 रुपए दिए गए। क्या कह रहा है आगे, ए एंड बी टुगेदर आर सपोज्ड टू डू 19/23 ऑफ द वर्क, 19/23 ऑफ द वर्क एंड बी एंड सी टुगेदर 8/23 ऑफ द वर्क। ये कह रहा है कि अगर ए और बी काम करते हैं तो पता चलता है कि ए और बी का काम जोड़ने पर पूरे काम का उन्होंने 19% किया है, 23। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि टोटल वर्क को मैं एक बार के लिए 23 यूनिट मान लेता हूँ, तो 23 का 19/23 कितना होगा, 19 होगा। तो ये 19 यूनिट का काम क्या है, ए और बी द्वारा मिलकर किया गया है। टोटल काम 23 है ना, उसमें से 19 यूनिट का अगर मैं ए और बी का काम जोड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 19 यूनिट का काम हुआ, और अगर मैं बी और सी का काम जोड़ता हूँ ऐड करता हूँ तो देखो मुझे कितना मिलता है, 23 का 8/23 कितना होगा, 8 होगा ना, तो देखो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। तो ए और बी का मैंने काम जोड़ा, मुझे पता चला कि वो 19 यूनिट काम होता है, बी और सी का काम जब मैंने जोड़ा तो मुझे पता चलता है कि 8 यूनिट का काम होता है। देखो अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा देखो, ए प्लस टू बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल होगा, 19+8 27 के। और ये जो टोटल वर्क है ऑल ओवर ये मिलकर किया गया है, ए बी और सी द्वारा मिलकर कितना काम किया गया है वो है ये 23। आई बात समझ में, देखो ये 23 है, ये 27 है, चार एक्स्ट्रा आ रहा है। चार एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बी एक्स्ट्रा आ रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी है लेकिन ये ए प्लस टू बी प्लस सी है, यानी चार यूनिट का काम किसने किया होगा, चार यूनिट का काम केवल और केवल बी ने किया होगा, आई बात समझ में। अब 19 यूनिट में से चार यूनिट काम तो बी ने ही कर लिया है, तो ए ने कितना किया होगा, 15 यूनिट काम किया होगा, यानी ए ने कितना काम किया, 15 यूनिट का काम किया। क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है व्हाट अमाउंट शुड ए बी पेड। तो सैलरी का क्या होता है गाइज, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में वेजेस के अंदर क्या किया जाता है, कोई आदमी जितना काम करता है उसको उतना रुपए मिलता है। तो अगर ए ने 15 यूनिट काम किया है, टोटल काम था 23, तो अपन को क्या करना है, 15/23 इंटू 529, इस चीज को अपन को सिंप्लीफाई करना है, अपना आंसर अपन को मिलेगा। इससे देखो इसको जब मैं काटता हूँ तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 15 × 23 करते, देखो 15 × 3 कितना हो गया, 45, और ये कितना हो गया देखो 30 और 4 34, क्या आंसर मिल रहा है अपन को, 345, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना आंसर हो गया, क्लियर है। चलते देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, किम कैन डू अ वर्क इन 3 डेज वाइल डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। किम जो है किसी काम को 3 दिन में कर सकता है और डेविड जो है किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, ये इनका टाइम के बारे में अपन को गिवन है, ठीक है। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम फिनिशेज द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज। इन दोनों ने मिलकर काम किया है ये और उनको 150 रुपए मिले हैं, तो ये कह रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ किम, तो इसमें किम का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो देखो टोटल काम को मैं 6 मान लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। अगर 6 एलसीएम आता है तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आएगी, 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी, आई बात समझ में। अब उनको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ किम, किम का शेयर कितना है। देखो तो किम का शेयर अगर मुझे निकालना है, क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2 है टोटल, देखो इसकी एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, टोटल मिलाकर ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ये जो 5 है वो 5 नहीं है, एक्चुअल में कितना है देखो 150 दे रखा है, कितना होगा ये 30 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो अपन को किम का पूछा है तो मैं क्या करता हूँ, किम की जो सैलरी है, किम की जो एफिशिएंसी है उसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आएगा, 60 आएगा, आई बात समझ में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 60। कुछ नहीं करना है गाइस, अपन ने जो एफिशिएंसी थी एफिशिएंसी निकाल दी, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में उन लोगों ने कितना काम किया,
ठीक है, और वहां से मुझे पता चला कि टोटल काम जो है उनका 5 आ रहा है, 5 को फिर मैंने 150 से कंपेयर करवाया, ठीक है, 30 टाइम्स किया तो फिर मैंने इसको भी 30 टाइम्स कर दिया। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 3 days। देखो अगर 1/4 वर्क 3 days के अंदर करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, 12 दिन में करेगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 4/1 का मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। सिमिलरली बी कैन डू 1/6 ऑफ द वर्क इन 4 days। तो क्या करना है, 1/6 का रेसिप्रोकल लेना है, 6/1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी बी जो है 24 days के अंदर इस काम को पूरा कर सकता है। ए और बी के बारे में अपन ने ये चीज निकाली है। आगे क्या है देखो, हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टूगेदर। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो ए कितना कमाएगा, एंड आर पेड 180 रुपीज इन ऑल, और कुल मिला के 180 रुपीज दिए गए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस जो अभी अपन ने पहले किया था। देखो अगर मैं टोटल काम को 24 मान लेता हूँ, अगर टोटल काम को 24 मान लेता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे कितना मिलेगा 1, और टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी मिल रही है मुझे, टोटल एफिशिएंसी मिल रही है मुझे 3, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 3 है। यहाँ पे ये जो 3 है वो 3 नहीं, एक्चुअल में कितना है देखो 180 है। क्या किया मैंने, 60 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ए की सैलरी निकालनी है तो ए की जो एफिशिएंसी है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिल जाएगा 120। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा देखो, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कोई काम दो व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक अगर 2 व्यक्ति काम पर एंगेज्ड है, या फिर 3 व्यक्ति शुरू से लेकर लास्ट तक बीच पूरे काम में एंगेज्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी जो सैलरी है वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर शुरू तीनों के तीनों साथ में करते हैं, कुछ देर बाद सी काम करना छोड़ देता है, फिर केवल ए और बी काम करते हैं, फिर कुछ देर बाद ए भी काम छोड़ देता है, फिर बी काम करता है। इस केस के अंदर गाइज अपन डायरेक्ट उनकी एफिशिएंसी से जो अमाउंट है ना उसको अपन कंपेयर नहीं करवा सकते। इस केस में अपन क्या करते हैं, अपन देखेंगे कि ए ने इस पूरे हिस्से में से काम किया कितना है और पूरे काम का कितना पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी सैलरी को डिवाइड करते हैं। जैसा भी एक क्वेश्चन पहले आया भी था उसमें क्या था, इस तरीके से ये जो सिचुएशन बन रही थी तो अपन ने क्या किया था, पूरे काम को देखते हुए पैसे को बांटा था, ठीक है। लेकिन जब काम शुरू से लेकर लास्ट तक 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है तो अपन डायरेक्टली उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पर उनकी सैलरी को डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। चलते हैं देखो आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करो एक बार। क्या कह रहा है, 2 men अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 1400 रुपीज। 1400 रुपए दिए गए 2 व्यक्तियों को काम करने के लिए। द फर्स्ट मैन अलोन कैन डू दिस वर्क इन 7 days। पहला आदमी जो है अकेला अगर इस काम को करता है तो 7 दिन में कर सकता है। While the second man alone can do this work in 8 days, लेकिन जो second व्यक्ति है वो इस काम को 8 दिन में कर सकता है। If they working together complete this work in 3 days with the help of a boy, अगर ये दोनों आदमी, पहला आदमी और दूसरा आदमी साथ में काम करता है एक लड़के के साथ, एक बॉय के साथ, तो वो इस काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, How should be money बी डिवाइडेड, ये जो मनी है उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो क्या करना है देखो, सबसे पहले तो अपन क्या कर देते हैं कि बॉय की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल देते हैं, ठीक है। तो 7, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 7 × 8 × 3 ही होगा, 7 × 8 × 3 ही होगा। इसके अंदर देखो जब मैं डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 24। इसके अंदर 8 का डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 21, ठीक है। और इसके अंदर जब मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, देखो इसमें 3 का डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 56, क्लियर है। अब ये 56 इन तीनों का सम है, अगर इन दोनों का सम मैं 56 में से माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, बॉय की एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या माइनस करूंगा मैं, 5 और 4 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 11 मिलेगा। आई बात समझ में? ये जो 11 है, ये 11 क्या है, बॉय की एफिशिएंसी है, ठीक है। बॉय की एफिशिएंसी मुझे क्या मिल गई, 11। अब चलते हैं आगे, बॉय की एफिशिएंसी मुझे मिल चुकी है, सेकेंड आदमी और फर्स्ट आदमी की एफिशिएंसी भी मुझे मिल चुकी है। देखो अब क्वेश्चन सबसे पहले आपको पहचानना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इस काम में क्या हो रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक व्यक्ति पहला, दूसरा और बॉय शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, कर रहे या नहीं कर रहे। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा पैसा है, ये जो पूरा का पूरा पैसा है, अपन क्या करेंगे उसकी सैलरी, ये जो इनकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है देखो, ये जो 56 है वो 56 नहीं है, कितना है टोटल मिलाकर अमाउंट, 1400 रुपीज है,
ठीक है, आपने इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया है, तो देखो 1400 अपॉन 56 से मल्टीप्लाई किया है। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते, देखो 14 से कितनी बार में जाएगा, 100 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, और 100 बाई 4 कितना होता है देखो 25। तो अपन क्या करेंगे, इन सारी चीजों को 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 25 से इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, जो चीज मिलेगी वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो 25 और 1 कितना, 25, यहाँ पे 2 चला गया, 25 और 2 कितना होगा 27। सी की सैलरी कितनी है देखो 275, और 275 वाला केवल और केवल देखो एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी के अंदर 275 नहीं है सी की सैलरी। तो अपना डायरेक्ट आंसर अपना क्या होगा बी, इनको भी आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी सफिशियंट टू पे एज वेजेस फॉर 21 डेज एंड बीज वेजेस फॉर 28 डेज। कुछ पैसा है जो अगर ए काम करता है तो 21 दिन तक के लिए जो है सफिशियंट रहेगा, लेकिन अगर बी काम करता है तो उसके लिए 28 डेज के लिए सफिशियंट रहेगा। आगे क्या कह रहा है, द सेम मनी इज सफिशियंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ। अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो सेम पैसा कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक अपन उन दोनों को दे सकते हैं। देखो अगर ए अकेला काम करता है तो 21 दिन में काम करता है और उसको कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन बी जब काम करता है तो वो सेम पैसा उसको 28 दिन के लिए मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं बी थोड़ा स्लो काम कर रहा है, उसको थोड़ा पैसा भी कम मिल रहा है। ठीक है, अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो पैसा थोड़ा जल्दी खर्च होगा, इस ए को भी पैसा देना पड़ेगा, बी को भी पैसा देना पड़ेगा। तो अपन को इस तरीके से इसके अंदर आंसर निकाला, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, केवल लैंग्वेज के अंदर आपको उलझाया है। क्या करना है, देखो 21 और 28 है, इनका एलसीएम लेना है। अगर मैं 7 लेता हूं तो कितना आएगा, देखो 3 और 4, ये मुझे एलसीएम मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 3। 4 और 3 कितने होते हैं 7, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 7, इसके अंदर 7 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो 7 तो कट गया, पीछे कितना आ रहा है 4 × 3 = 12। ठीक है, यानी ए और बी 12 दिन तक साथ में काम कर सकते हैं और जो मनी है वो भी 12 दिन तक के लिए सफिशियंट रहेगा। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली यही पूछा गया है कि ए और बी कितने दिन में साथ में अगर काम करें तो कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करो क्या कह रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी कैन डू इट इन 15 डेज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दे वर्क फॉर 5 डेज, इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया, द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाई सी इन 2 डेज। देखो डायग्राम के हेल्प से समझते हैं अपन, क्या हो रहा है कि ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, 5 दिन तक काम किया। ठीक है, 5 दिन तक काम किया, आगे क्या कह रहा है, द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाई सी, और ये जो बचा हुआ काम है वो केवल और केवल सी ने किया, 2 दिन में किया। ठीक है, ये कह रहा है इफ दे गेट 1500 रुपीज फॉर द होल वर्क, द डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी की डेली वेज कितनी होगी, ये अपन को निकालना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें शुरू से लेके लास्ट तक आइडेंटिकल चीज नहीं है, शुरू से लेके लास्ट तक दो व्यक्ति साथ में काम नहीं कर रहे हैं, बीच में कोई काम छोड़ रहा है, कोई व्यक्ति नया आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, कौन कितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा है ना उसको अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका टोटल एलसीएम लेते हैं, कितना आ रहा है देखो 30 बाई 10 करते हैं कितना आएगा 3, और 30 बाई 15 करते हैं कितना आएगा 2। ए और बी की एफिशिएंसी मुझे मिल गई, टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी ए और बी की, तो टोटल एफिशिएंसी ए और बी की आ गई देखो 5। ठीक है, 5 यूनिट काम एक दिन में करते हैं तो 5 दिन में कितना कर लेंगे 25 यूनिट काम कर लेंगे, तो यहां से यहां तक का काम कितना है देखो 25 यूनिट का काम है, पीछे का काम बचा कितना 5 यूनिट का काम बचा, और ये 5 यूनिट का काम किसने किया है, सी ने किया है, कितने दिन में किया है 2 दिन में किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई मुझे, अगर टोटल काम 5 करता है तो 2 दिन में करता है वो, एक दिन में कितना कर लेगा 5/2 एफिशिएंसी मुझे मिल गई सी की। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं अगर कितने दिन लगा था, अच्छा ये 2 दिन तो अपन को गिवन ही है, टाइम निकालने की भी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब एक चीज क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी और सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो चेक करना है अपन को कि पूरे काम में बी ने कितना काम किया है। देखो इस पूरे काम के अंदर पूरा काम है कितना 30 यूनिट का काम है, इस 30 यूनिट में से बी ने कितना किया है, देखो बी ने यहां से लेके यहां तक केवल और केवल 5 दिन तक काम किया है या नहीं है, 5 दिन तक काम किया है बी ने, बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है तो 5 दिन में कितना किया होगा, बी ने 10 यूनिट काम किया होगा, मतलब पूरे इस 30 यूनिट के काम में बी ने 10 यूनिट का काम किया है। ठीक है,
और इसी रेशियो के अंदर जो अमाउंट है ना 1500 रुपए का, वो अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखो कैंसिल आउट करते हैं, 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, कितना आ रहा है 50, और यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है देखो 500 रुपीज। ये तो क्या है, बी की अर्निंग है। सी की अर्निंग अगर मुझे निकालनी है तो देखो पूरे काम में से सी ने कितने दिन तक काम किया, तो सी ने देखो 2 दिन तक के लिए काम किया, केवल और केवल 2 दिन तक के लिए काम किया है। ये एक दिन में कितना काम कर लेता है, एक दिन में 5/2 काम कर लेता है, तो 2 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 5 यूनिट का काम किया होगा। टोटल काम है कितना देखो 30 का काम है, तो इसी रेशियो के अंदर 1500 को अपन बांट देते हैं, कितना आएगा देखो 0 से 0 यहाँ पे कितना आ गया 5 और 0, यहाँ से कितना मिल गया 250 रुपीज, यानी सी की डेली अर्निंग्स कितनी है 250 रुपीज है। आई बात समझ में? तो अपना आंसर क्या होगा, फिलहाल देखो इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी और सी दोनों का पूछा है, लेकिन अर्निंग केवल सी और या ए के बंदे की दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्या करो इस बी को हटा दो, केवल और केवल सी की अर्निंग आपको पूछी गई है, तो फाइनल अपना आंसर अपन क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी 250 रुपए। आई बात समझ में? तो गाइज इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही रखते हैं, आगे आने वाला क्वेश्चंस अपकमिंग पार्ट्स के अंदर अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।